मोदी के स्टेडियम में मोदी को हरा के गई। मोदी के स्टेडियम में मोदी को हराया। मोदी को हराया, इंडिया टीम नहीं हारी है। नहीं नहीं, हाँ मोदी हारा। मोदी हारा, मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं आप? बिल्कुल जिम्मेदार, क्योंकि वो अब तक जितने भी मैच हुआ उसमें नहीं पहुंचा, तो हमारा इंडिया लगातार अच्छा। मैं अभी 5000 का पटाखा लेकर आए थे, वो क्या करूँ भाई, 5000 का पटाखा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया भाई, इसलिए मुझे काफी दुख हो रहा है। और हम इस खुशी में थे कि हमारा इंडिया जीतेगा, और इंडिया से इतना मेरा लगाव है भाई, जान दे सकते हैं और अपना दिलो जान को कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे मोदी सर, मोदी को क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं भाई? पनौती है वो, जब पहुंच गया स्टेडियम में इसीलिए हार गया भाई। और नहीं पकड़ा है भाई, लेकिन पहला ये है कि वो जो अमित शाह का बेटा जैसा है उसको कुछ भी नहीं आता भाई, अनपढ़ है, उसको साला कमान दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, उसको थोड़ी खेलना था क्रिकेट, उसको तजुर्बा कुछ नहीं, कैसे खिलाया जाए, वो खिलाएगा क्रिकेट? हाँ भाई, उसको तजुर्बा होना चाहिए, कैसे हमारा टीम कैसे खेलेगा ये तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन पनौता था। कोच का काम है ना टीम को हैंडल करना, जैसा थोड़ी करेगा। आप मोदी को जिम्मेदार इसलिए कि नहीं पहुंचा था, तो बिल्कुल हम लगातार जीते गए, और पनौती जब पहुंचा तब हम हार गए। हमारे भारत में नफरत परोसी जा रही है। किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ शाहरुख खान का फोटो देख के लगाया, उसने ये लिखा है कि ये हकला आया था, अगर कुछ मैच हारता तो यही उसका रीजन बनता है। उसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि पनौती के नाम पे स्टेडियम, स्टेडियम में पनौती। इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस पर चीज को, कहाँ कमजोरी लग रही है आपको? मोदी जी को, मोदी को, मोदी मोदी, रुको 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 रुको, मोदी के स्टेडियम में मोदी को हरा के गई। मोदी के स्टेडियम में मोदी को हराया, मोदी को हराया, इंडिया टीम नहीं हारी है? नहीं नहीं, हाँ मोदी हारा, मोदी हारा। क्या आपको भी लग रहा है मोदी हार गए हैं? मोदी हार गए, मोदी हम हार गया, आप हार गए, इंडिया टीम हारी है? हार गया। चलिए, ये कह रहे हैं इंडिया टीम हारी है, लेकिन भाई कह रहे हैं मोदी हार गया, क्या कहिएगा बताइए? वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, हम यही कहेंगे कि हमारी टीम ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया पूरे वर्ल्ड कप मैच में, लेकिन यहाँ पे कुछ लगता है कि स्कोर कम हुए थे और खेल खेल का हिस्सा है। कहाँ पे इंडिया, इंडिया टीम कहाँ पे मिस कर गई जो आखिर टाइम से विकेट नहीं निकला और हमने जो है विकेट जल्दी गंवा दिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक कारण था हमारे हमारी टीम के हारने का, विकेट जल्दी गंवा दिए। और अभी मैंने ट्विटर पे देखा है, जैसा कि हमारे भारत में नफरत परोसी जा रही है, किसी एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ शाहरुख खान का फोटो देख के लगाया, उसने ये लिखा है कि ये हकला आया था, अगर कुछ मैच हारता तो यही उसका रीजन बनता है। उसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि पनौती के नाम पे स्टेडियम, स्टेडियम में पनौती, बस मतलब यही कारण। जर्नलिस्ट ने लिखा कि हकला आया इसलिए मैच हार गया। यस, जर्नलिस्ट का नाम बताइए, जर्नलिस्ट का ये चंदन शर्मा नाम का है, इसको चंदन शर्मा नाम का है, ये देखिए। अच्छा अच्छा, इनको तो बहुत, ये बहुत ही बड़ा नफरती चिंटू है, इनको तो सभी लोग जानते हैं। इन्होंने लिखा कि ये पनौती हकला को कौन बोला था मैच देखने के लिए, घर से भी देख सकता था, पूजा पाठ के दिन आ गया, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो पनौती, अगर ये ऐसा है तो हम उसको भी कह सकते हैं कि पनौती क्यों हार रही है, पनौती स्टेडियम, पनौती लोग आए इसलिए। क्या कहेंगे भाई, वर्ल्ड कप इंडिया हार गई, बताओ? मैं यही बोला, अरे हम हार गए। कैसे हार गए भैया, कहाँ कमजोरी दिख रही है आपको, कहाँ मिस कर गए आप? बैटिंग लाइन भैया, बैटिंग लाइन, हाँ बैटिंग लाइन, पांच बॉलर ने खेले है, इंडिया जीती है। हाँ कैसे भाई, जीती भाई, भले वो मैच हारी है पर हारने को बोलते हैं बाजीगर। अच्छा, हाँ बाजीगर खेला गया। हाँ तो वो हारी नहीं है, वो सबक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, हाँ इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? तो काफी दुखी हैं, क्योंकि आज का मैच में जो पनौती तीन पहुंचा था, एक मोदी था, दूसरा अमित शाह, तीसरा था जैसा, क्योंकि ये पनौती काफी खतरनाक था, पनौती, हाँ बिल्कुल पनौती, इसीलिए, और वो भी गुजरात में खेला गया, इसलिए उनको कैसे टिकट मिल गया पनौती को, ये मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं आप? बिल्कुल जिम्मेदार, क्योंकि वो अब तक जितने भी मैच हुआ उसमें नहीं पहुंचा, तो हमारा इंडिया लगातार अच्छा। कौन किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भाई? भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी यार, कुछ नहीं बोलेंगे आप? क्यों आप मोदी को जिम्मेदार? जिम्मेदार इसलिए कि नहीं पहुंचा था, तो बिल्कुल हम लगातार जीते गए, और पनौती जब पहुंचा तब हम हार गए, क्योंकि भाई इमोशनल होना ये मेरे लिए काफी ये है, क्योंकि मैं अभी 5000 का पटाखा लेकर आए थे, वो क्या करूँ भाई, 5000 का पटाखा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया भाई, इसलिए मुझे काफी दुख हो रहा है। और हम इस खुशी में थे कि हमारा इंडिया जीतेगा, और इंडिया से इतना मेरा लगाव है भाई, जान दे सकते हैं और अपना दिलो जान को कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे मोदी सर, मोदी को क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं भाई? पनौती है वो, जब पहुंच गया स्टेडियम में इसीलिए हार गया भाई, नहीं पकड़ा है भाई,
लेकिन पहला ये है कि वो जो अमित शाह का बेटा जैसा है उसको कुछ भी नहीं आता भाई, अनपढ़ है, उसको साला कमान दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, उसको थोड़ी खेलना था क्रिकेट, उसको तजुर्बा कुछ नहीं, कैसे खिलाया जाए, वो खिलाएगा क्रिकेट? हाँ भाई, उसको तजुर्बा होना चाहिए कैसे हमारा टीम कैसे खेलेगा, ये तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन पनोता था, कोच का काम है ना टीम को हैंडल करना, जैसा थोड़ी करेगा।